दोस्तों, मेरा नाम बालम दास है और मैं एक टीचर हूँ। और मेरा मकसद आप दोस्तों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो घर बैठे बआसानी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू इंग्लिश ग्रामर सीख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाकायदगी से टेंस पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज जो टेंस हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। टुडे वी विल लर्न प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मींस जमाने हाल सादा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना इंतहाई जरूरी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपल टेंसेस शो स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सिंपल टेंसेस शो स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। सिंपल टेंस फायर यानी सब्जेक्ट की हालत और मौजूदगी जाहिर करते हैं। जो सिंपल टेंस हैं उनका एक ही काम है, उनका काम है सब्जेक्ट की हालत या मौजूदगी बयान करना। इस टेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होता, कोई हरकत नहीं होती, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। और सिंपल टेंस जो है वो तीन हैं, इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। ये तीन सिंपल टेंसेस हैं, इनको टू बी टेंसेस भी कहा जाता है। इन तीनों टेंसेस को जो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस करके पढ़ा रहा हूं, इनको टू बी टेंसेस भी कहा जाता है। अब ये जानना इंतहाई जरूरी था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है और ये क्या जाहिर करता है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि सिंपल टेंस जो है वो फाइल की हालत और मौजूदगी जाहिर करेंगे, और कोई एक्शन इस टेंस के अंदर नहीं होगा, सब्जेक्ट कोई हरकत नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। मैं शुरू से ही जोर देता आ रहा हूँ इस बात पे कि हमें सेंस क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो आप इस डेफिनेशन की मदद से जहां पे भी ऐसा जुमला देखें जिसमें सब्जेक्ट की हालत या मौजूदगी बयान की हुई हो, तो आप समझ लेना कि ये सिंपल टेंस का जुमला है। फिर वो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है या फ्यूचर का हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दो जुमले लिखे हैं। पहला जुमला है मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। सब्जेक्ट मैं है, उसकी हालत बताई जा रही है, उसकी हालत कैसी है, खुशी वाली हालत में है वो। सब्जेक्ट जो है वो आज खुशी वाली हालत में है। ये जुमला जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट की हालत खुशी वाली है। मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हमें सब्जेक्ट की हालत और मौजूदगी जो है वो जाहिर करेगा। तो यहाँ पे पहले जुमले में मैं खुश हूँ यानी सब्जेक्ट मैं की हालत जो है वो खुशी वाली है। अब नंबर टू सेंटेंस लिखा हुआ बेनजीर कराची में है, बेनजीर कराची में है। तो इस जुमले के अंदर बेनजीर जो सब्जेक्ट है उसकी मौजूदगी कराची में दिखाई जा रही है, उसकी मौजूदगी, बेनजीर की मौजूदगी कराची में दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे ये दोनों जुमले मैंने लिख दिए कि सिंपल टेंस जो है वो सब्जेक्ट की हालत और मौजूदगी जाहिर करता है। पहले जुमले के अंदर हमने नोट किया कि सब्जेक्ट मैं की हालत जो है वो खुशी वाली है, या हम कह सकते हैं वो उदास है, उसकी हालत उदासी वाली है, वो बीमार है, उसकी हालत बीमारी वाली है, वो अमीर है, उसकी हालत अमीरानी है, यानी बहुत सारा पैसा है उसके पास। तो यहाँ पे बेनजीर कराची में है यानी बेनजीर की मौजूदगी कराची में है। हम ये भी कह सकते हैं कि परिंदे आसमान में है यानी परिंदों की जो मौजूदगी है वो आसमान में है। तो ऐसे जुमले जो सब्जेक्ट की हालत या मौजूदगी जाहिर करें वो सिंपल टेंस के जुमले होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। एक बच्चे को कैसे पता चले, एक तालबे इल्म को, एक स्टूडेंट को कैसे पता चले कि उर्दू के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनकी पहचान क्या है, उनको बच्चा कैसे पहचाने, तालबे इल्म कैसे पहचाने। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर वन सेंटेंस जो हमारा था, मैं खुश हूँ, मैं।
जो लफ्ज में होता है उर्दू के जुमले में, जो पहला लफ्ज होता है वो किसी इंसान का ही होता है, उसमें इंसान का ही जिक्र होता है, फिर वो मैं हो, हम हो, तुम हो, वो वायद, वो जमे। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैन अब्लिक वोमेन, यानी मर्द हो या औरत हो, जो इंसान होता है पहला वर्ड वो जो हमारा है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है ग्रामर की बोली में। ग्रामर की बोली में जो इंसान होता है जिसकी हमें हालत या मौजूदगी बताई जाती है वो जो है ग्रामर की लैंग्वेज में उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और उर्दू में उसे फाइल कहा जाता है, फाइल। और उसके बाद जो हालत होती है या मौजूदगी, यहाँ पे खुश जो है हालत है, जो हालत होती है उसे हम ग्रामर की बोली में ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसपे जो हालत या मौजूदगी होती है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बाद जो निशानी होती है, हे ओ, हूं, हैं वगैरह जो निशानी होती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो इंग्लिश में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो जो सबसे पहला वर्ड होता है, जो इंसान होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो हालत होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद निशानी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे नंबर टू सेंटेंस भी मैंने लिखा है, बेनजीर कराची में है। नंबर वन, बेनजीर एक लड़की है, यानी जानदार है, इंसान है। तो ये जो गर्ल है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कराची में जो है, कराची एक जगह का नाम है, कराची एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है, वो जो हमारी मौजूदगी है वो हमारा जगह जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो कराची है जहाँ पे सब्जेक्ट की मौजूदगी दिखाई जा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो निशानी है, हे, ये निशानी इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उर्दू के जुमले में से हमें कैसे पता चले कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे अलग अलग किए जाएं, क्योंकि कोई भी जुमला इंग्लिश का, उर्दू का इंग्लिश में करते वक्त हमें सबसे पहला काम उस जुमले में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग करना होते हैं। तो हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, जो पहला वर्ड होता है उर्दू में, फर्स्ट वर्ड, जो किसी इंसान का ही होता है, जो कोई इंसान ही होता है, लड़की हो या लड़का हो, वो जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो हालत या मौजूदगी होती है, जो लफ्ज़ हालत या मौजूदगी जाहिर कर रहे होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद जो निशानी होती है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। यही पहचान है इन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने की। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको जब भी कोई जुमला उर्दू में मिले कि इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उस उर्दू के जुमले में से सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन कर लें, ये जान लें कि इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब वो मरहला कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला हम जुमला करेंगे, तो हमारा जुमला गलत हो ही नहीं सकता। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज, एम और आर। ये जो टेंस आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो इज, एम और आर। इन हेल्पिंग वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब से मुराद है मददगार फेल, जो हमारी जुमला बनाने में मदद करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स भी इनको कहा जाता है, यानी कि ये सेंटेंस को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। तो दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, उसका मैंने यूज भी लिखा है। इज यूज विथ ही, शी, इट, सिंगल नेम, अब्लिक वन नेम। जो हमारा सब्जेक्ट इज है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब इज है, वो सब्जेक्ट से ही, शी, इट और अकेले नाम के साथ इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो सब्जेक्ट से ही, शी, इट और अकेले नाम के साथ इस्तेमाल होगा। एम इज यूज्ड विथ आई ओनली, एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा और किसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसके बाद आर जो है, वी, यू, दे, डबल नेम्स, अब्लिक टू नेम्स। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आर है वो वी, यू, दे और दो नाम वाले जुमले के साथ इस्तेमाल होगा। ऐसे भी जुमले होते हैं जिसमें दो नामों का जिक्र होता है, मसलन, जहीर और विशाल चालाक हैं,
अब यहाँ पे दो नाम आ गए हैं, दो बच्चों के नाम आ गए, जहीर और विशाल। तो ऐसे जुमले जो होंगे दो नाम वाले उसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपका सेंस क्लियर कर दिया है कि हर टेंस जो हम पढ़ेंगे उसका हमें सेंस क्लियर करना है, हमें रटा बिल्कुल नहीं लगाना है। हमारा सेंस क्लियर है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो सब्जेक्ट की हालत और मौजूदगी जाहिर करेगा प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपकी सहूलत के लिए निशानियां भी लिख दी हैं कि प्रेजेंट सिंपल के पहचानने की निशानियां भी ये होती हैं, हूँ, हे और हैं। प्रेजेंट सिंपल के जो भी जुमले आपको मिलेंगे उर्दू के अंदर उनमें निशानियां हूँ, हे और हैं इस्तेमाल होंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। तो दोस्तों वैसे तो जुमलों की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जुमलों की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, इकसाम होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चार इकसाम शुरू में पढ़ाऊंगा। शुरू में मैं आपको जुमलों की चार इकसाम पढ़ाऊंगा। नंबर वन मैंने यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से मुराद है बयानी। बयानी यानी जिस जुमले में हाँ हो, ऐसा जुमला जिसमें हाँ की गई हो उसे बयानी जुमला कहते हैं। इंग्लिश में उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं खुश हूं, ये एक बयानी जुमला है, इसका बयान जो है हाँ में है। तो उसके बाद नंबर टू नेगेटिव। नेगेटिव से मुराद है इनकारी। नेगेटिव से मुराद है इनकारी, जिसमें जुमला है मैं खुश नहीं हूं, इसमें इनकार किया गया है। उसके बाद नंबर तीन पे हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से मुराद है सवालिया, जिसमें सवाल किया गया हो। और उर्दू में लफ्ज क्या जो है वो पहले आ जाता है और जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वो आखिर में आ जाती है। क्या मैं खुश हूं, ये एक सवालिया जुमला है, इसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और उसके बाद हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है INT+NEG, इससे मुराद है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया इनकारी, यानी सवाल भी है और इनकार भी है। यहाँ पे इस जुमले से हमें पता चल जाएगा क्या मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, यानी इसके अंदर सवाल भी है और इनकार भी है। तो मैं आपको चार सेंटेंस पढ़ाऊंगा, काइंड्स जो है सेंटेंसेस की वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं। तो अब मैं इन चारों जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन तमाम चारों काइंड्स के फार्मूलाज लिखूंगा और उसके बाद विद हेल्प ऑफ फार्मूलाज हम जो हैं इन जुमलों को इंग्लिश में करते जाएंगे। जो हम फार्मूला लिखेंगे उस फार्मूले के मुताबिक हम जुमला करेंगे तो हमारा जुमला गलत हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला होगा, जब हम जुमले को इंग्लिश में करेंगे तो अफर्मेटिव का फार्मूला होगा, सबसे पहले एस से मुराद है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद HV से मुराद है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद O से मुराद है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि कोई भी जुमला इंग्लिश में सवालिया करते वक्त हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे ला के रखना पड़ता है, तब जाके हमारा जुमला जो है वो सवालिया होता है, इंट्रोगेटिव होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया इनकारी, यानी सवाल भी हो इनकार भी हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब हम इन फार्मूलाज की मदद से ये दो जुमले जो हैं, मैंने पहले इन दोनों जुमलों को उर्दू के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव लिख दिया है। अब इन तमाम जुमलों को हम इंग्लिश में करेंगे। वी विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश नाउ। सबसे पहला जुमला है मैं खुश हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं
कि जब भी आपको कोई उर्दू का सेंटेंस मिले जिसे आपको इंग्लिश में करना हो तो उसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा उस जुमले में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन करना। ये कन्फर्म कर लेना कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो पहला वर्ड होता है जो कोई इंसान का जिक्र किया जाता है जिसमें, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारा हो गया मैं सब्जेक्ट। उसके बाद हालत या मौजूदगी जो लफ्ज जाहिर कर रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अब हूं जो हमारी निशानी होती है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। अब जब हमने कंफर्म कर लिया है कि मैं खुश हूं इस जुमले के अंदर, मैं सब्जेक्ट है, खुश ऑब्जेक्ट है और हूं हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हम इस जुमले को अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला करेंगे तो हमारा जुमला गलत हो ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश होगी आई। मैं की इंग्लिश आपको पता है आई होती है। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम लगता है और हमारा ऑब्जेक्ट है खुश जिसकी इंग्लिश होती है हैप्पी। ये हमारा मैं खुश हूं सेंटेंस इंग्लिश में हो गया है आई एम हैप्पी। उसके बाद मैं खुश नहीं हूं फार्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, हमने सब्जेक्ट आई लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब दें, हमने हेल्पिंग वर्ब एम दिया। अब नॉट दें, हमने नॉट दे दिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिख दें, हमने ऑब्जेक्ट हैप्पी लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। और उसके बाद सवालिया जुमला है, क्या मैं खुश हूं, फार्मूला के मुताबिक करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। फार्मूला के हिसाब से करते जाएं, जुमला गलत हो ही नहीं सकता। फार्मूला कह रहा है सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखें, हमारा हेल्पिंग वर्ब एम जो है वो हमने सबसे पहले लिखा। अब कह रहा है सब्जेक्ट ला दें, हम सब्जेक्ट लाए हैं आए। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिख दें, अब हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। और आखिर में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उसमें भी यही कहानी है, सबसे पहले हम एम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हैप्पी और आखिर में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये जुमला जो था मैं खुश हूं उसको हमने चार में कर दिया है। फार्मूला के मुताबिक जुमला किया है, हमारा जुमला गलत नहीं है। चारों जुमले हमारे सही हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों अब हम दूसरा जुमला करेंगे जो कि हमारा जुमला है बेनजीर कराची में है। अब हम दूसरा जुमला जो है बेनजीर कराची में है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई उर्दू का जुमला मिले तो सबसे पहला काम आप उस जुमले में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दें, ये तायुन कर लें, ये कन्फर्मेशन कर लें कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जब ये आप कन्फर्म कर लेंगे तो उसके बाद ही आप अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सही जुमला कर पाएंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन गलत हो गई तो आपके जुमले गलत हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम जो है आपको ये करना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपने अलग अलग करना है। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जो पहला वर्ड होता है मेल या फीमेल वो हमारा सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है। उसके बाद जो वर्ड हालत या मौजूदगी को जाहिर कर रहे होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और जो निशानी होती है वो हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इस जुमले में जो बेनजीर एक लड़की का नाम है ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद कराची में जो जगह को जाहिर कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और हे जो निशानी है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब जब हमने ये तायुन कर लिया है, जब हमने ये कंफर्म कर लिया है कि इस जुमले में बेनजीर सब्जेक्ट है, कराची में ऑब्जेक्ट है और हे हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला जुमला करेंगे तो हमारा जुमला बिल्कुल सही होगा। अब हम जुमला करते हैं बेनजीर। यहाँ पे अफर्मेटिव में कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, हम बेनजीर लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बेनजीर है। उसके बाद अफर्मेटिव में
फार्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखें, क्योंकि बेनजीर वन नेम है, बेनजीर सिंगल नेम है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा, बेनजीर इज। अब कराची में की इंग्लिश इन कराची, बेनजीर इज इन कराची, ये हमारा जुमला हो गया अफर्मेटिव। उसके बाद बेनजीर कराची में नहीं है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है बेनजीर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद इन कराची, ये हमारा नेगेटिव जुमला हो गया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी जुमले को इंट्रोगेटिव करते वक्त आप इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे लाकर रख दें, और फार्मूले में भी यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि बेनजीर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, तो हम इज पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट की बारी है जो हमारा बेनजीर है। इज बेनजीर इन कराची, क्या बेनजीर कराची में है। उसके बाद सवाल या इंक्वायरी, बिल्कुल वही कहानी, इज बेनजीर नॉट इन कराची, क्या बेनजीर कराची में नहीं है, ये हमारा जुमला जो है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको एक और जुमला सिखाता हूँ, ये जुमला पहले सिखाए गए जुमलों से थोड़ा डिफरेंट है। इस जुमले में मैंने लिखा है आज गर्मी है, ये भी प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। इस जुमले में आज के दिन की दर्जे हरारत बताई जा रही है कि आज जो दर्जे हरारत है वो ज़्यादा है, बढ़ी हुई है, आज गर्मी है। तो दोस्तों ऐसे जुमले जिनमें कोई जानदार ना हो, बेजान चीज़ों का जिक्र हो, तो ऐसे जुमले में हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से लगाएंगे और वो होगा इट। सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से लगाएंगे और वो अपनी तरफ से लगाया हुआ सब्जेक्ट होगा इट। मैं आपको ये क्लियर करवा दूं कि इट जो है हमारा प्रोनाउन वो छोटे बच्चों के साथ इस्तेमाल होता है, जानवरों के साथ इस्तेमाल होता है और बेजान चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये जो जुमला है आज गर्मी है, इसमें आज के दिन की दर्जे हरारत बताई गई है, इस जुमले में हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से देंगे और अपनी तरफ से और कोई सब्जेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ इट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम आते हैं पहला काम हमारा जो सेंटेंस मिलते वक्त हम करते हैं, यकीनन आपको याद होगा कि हमारा पहला काम होता है जुमले में से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन करना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से इट देंगे तो इसमें जो आज है वो भी ऑब्जेक्ट है और जो गर्मी है वो भी ऑब्जेक्ट है और जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आज और गर्मी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से इट देंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है ये हमारी निशानी जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से जो इट देंगे वो दिया हमने इट, अब इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है इज लगता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इज जो है वो ही शी इट और अकेले नाम के साथ इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, इट इज। अब आज और गर्मी दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हम बाद में लिखेंगे और उसमें जो ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है उर्दू के अंदर वो हम इंग्लिश में पहले लिखेंगे हॉट, और जो ऑब्जेक्ट उर्दू में पहले आ रहा है उसे हम इंग्लिश में बाद में लिखेंगे। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। अब इसी तरह इस जुमले को नेगेटिव करेंगे, इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। इसी तरह सवालिया करेंगे, इज इट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी है। इसी तरह सवालिया इंक्वायरी, इज इट नॉट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी नहीं है। ये हमने इस सेंटेंस को
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दिया है। सबसे पहले हमने पहला काम किया था जो कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग करना था। उसके बाद हमने फार्मूला को फॉलो करते हुए जुमला किया है, जुमले किए। हमारे तमाम जुमले जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, तमाम जुमले हमारे बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, तीन जुमले मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। एक जुमला ऐसा था जिसमें हमने सब्जेक्ट की हालत जाहिर की थी, दूसरे जुमले में हमने सब्जेक्ट की मौजूदगी जाहिर की थी, और तीसरा जुमला जो हमारा था वो दिन की दर्जे हरारत बयान कर रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं जिन जुमलों को आपने अपनी तरफ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है। यहाँ पे मैंने जुमले लिख दिए हैं। हम अमीर हैं, अमीर एक नया वर्ड है जिसकी इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखी है रिच। उसके बाद तुम कॉलेज में हो, इस जुमले में कॉलेज नया लफ्ज है जिसकी मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी है। वो ईमानदार है, इसकी मैंने ईमानदार की इंग्लिश हानेस्ट लिख दी है। और यहाँ पे वो घर में हैं, घर की इंग्लिश मैंने होम लिख दी है, या आप हट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट वो है और यहाँ पे भी वो है। अब उर्दू में जो आखिर में है आता हो तो आप समझ जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर हैं आता हो तो फिर समझ लेना कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में, यानी जमे है। तो अगर आखिर में है आता हो तो सब्जेक्ट ही होगा, और अगर हैं आता होगा तो फिर सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा। ये बात जहन नशीन करनी है। तो यहाँ नीचे मैंने लिखा है विशाल और महेश जहीन है, ये दो नाम वाला जुमला है जिसमें दो नामों का मैंने जिक्र किया है। जहीन एक नया वर्ड था जिसकी इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखी है इंटेलिजेंट। उसके बाद शिराज वकील है, तो वकील की इंग्लिश मैंने लिखी है एडवोकेट। और उसके बाद सातवां जुमला है अमेरिका सुपर पावर मुल्क है, तो मुल्क की, मुल्क को इंग्लिश में कंट्री कहते हैं, और सुपर पावर की भी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी है, और अमेरिका की भी स्पेलिंग लिख दी है। मैं चाहता हूँ कि आप इन तमाम जुमलों को अपनी नोटबुक में लिख के उनको अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला और मेरे समझाए हुए तरीके के मुताबिक करें। समझाया हुआ तरीका क्या, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि जुमला करते वक्त सबसे पहला काम आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन करने के बाद आप फार्मूले के मुताबिक जो फार्मूले आपको दिए गए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसके हिसाब से जुमले करना, आपका कोई भी जुमला गलत नहीं होगा। ये मैंने कुछ सात जुमले लिखे हैं जो आपने अपनी तरफ से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। उसके बाद आपको इन तमाम जुमलों को इंग्लिश में करना है, चार में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में तब्दील करना है। और उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी ऐसे मजीद जुमले बनाएं जिनमें आप सब्जेक्ट की हालत और मौजूदगी जाहिर करें। ऐसे कई जुमले आप बना सकते हैं, सो हजारों जुमले आप बना सकते हैं जिसमें आप सब्जेक्ट की हालत या मौजूदगी बयान कर रहे होते हैं। तो ऐसे मज़ीद आप अपनी तरफ से जुमले बना के उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और ये चीज़ें जो मैंने सिखाई उनके हिसाब से करेंगे तो आप बआसानी प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख लेंगे। थैंक्स।